जगत भाव भोगन की आशा, जगत भाव भोगन की आशा, त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो, त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो, नैन कमल गुरु डगर पिया की, संत जगत में आकर के जगत के भूले हुए जीवों को संदेश देते हैं, उसे दुख से छूटने का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। माया के, भ्रम के और अज्ञान के तम में बिछुड़ी हुई आत्माओं को अपने सच्चे स्वामी से मिलाने के लिए आते हैं। और इसी क्रम में आज से ठीक 101 वर्ष पहले अपने गुरुदेव सदगुरु माताजी साहब इसी पुण्य गांव की इसी पुण्य धरा पर प्रकट हुए और वही संदेश दिया जो सब संतों ने सदा से दिया। बाप जी साहब ने, माता जी साहब ने, या कबीर साहब ने, या नानक साहब ने, किसी भी संत ने कोई नया या अलग संदेश या दूसरा संदेश नहीं दिया। दूसरा कोई संदेश हो नहीं सकता। एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही संदेश है सदा सदा से जीवों को देने के लिए। वही मालिक जगत में हम पर द्रवित होकर, क्योंकि हम उनकी अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं, वे हमारे सच्चे स्वामी और हमारे सच्चे प्रीतम हैं और वे सुख के भंडार हैं और हम उस सुख के असल उत्तराधिकारी हैं। हमारा हक है उस सुख पर। बाप के धन पर, बाप की संपत्ति पर, बाप की कमाई पर पुत्र का हक होता है कि नहीं होता? तो उस सुख सागर, सुख स्वरूप, चिर शांति और अखंड आनंद के भंडार मालिक या सदगुरु दयाल के हम अंश हैं, पुत्र हैं। हमारा उस चिर शांति पर, अखंड आनंद पर स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन हमने माया के छलावे में आकर के विरोधी शक्ति, काल और मन से यारी करके, दोस्ती करके, इनके कहने में आकर, इनके बहकावे में आकर,
इस जगत को अपना घर मानकर अपने घर की सुद को, अपने घर की याद को हमने भुला दिया, बिसरा दिया, और इसलिए दुख के ऐसे अंधे कुएं में, गर्त में जाकर के गिरे कि वापस उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही हमें दिखाई नहीं देता। बहुत छटपटाते हैं, कितने दुख 84 में जीव पाता है, 84 के जानवरों को किस तरह से सताया जाता है, काटा जाता है, लोग उन्हें, जैसे हम इंसान हैं, हम समझ बूझ के धनी हैं, परमात्मा ने दया करके हमें समझ बूझ और सुख दुख महसूस करने की ऊंची भावनाएं दी है, लेकिन हम कितने निर्दयी हैं कि हम तो अपना पेट भरने के लिए, हमारे जीव के स्वाद के लिए भी दूसरे जानवरों को मार करके खा जाते हैं। ऐसा घोर अज्ञान, यही अंधेरा है, यही अज्ञान है, ज्ञान किसका नाम है, यही अव्वल दर्जे की मूर्खता है, और इसी वजह से हम दुख में पड़े हैं। ये हमारे दुखों का मूल क्यों है कि हम माया के छलावे में आकर खोटी मति से प्रेरित होकर के ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका बदला हमें चुकाना ही पड़ेगा। खोटे काम करेंगे तो उसका बदला दुख पा करके हमें वापस यहीं पर अदा करना पड़ेगा। जिनको हम मारते हैं, जब कभी उनका नंबर आएगा, चांस उनको दिया जाएगा, कुदरत देगी, तब वो हमें वापस मारेंगे। और इस तरह से कर्मों के विकट ही जटिल चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं और निकल नहीं सकते। शास्त्र हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। कितने शास्त्रों में लिखा है, सभी शास्त्रों में एक बात निसंदेह एक स्वर में स्वीकारी की है। मतभेद की बातों पर क्यों जाए, मतभेद दर्शन में कहीं नहीं है। हमारी समझ छोटी है, इसलिए हमें लगता है कि एक जगह बात दूसरे तरीके से कही गई, दूसरे तरीके से बात अलग तरीके से शायद कह दी गई, ये मानना हमारा भ्रम है। हम केवल जिन बातों पर एकमत हैं, सभी शास्त्र, सभी आचार्य, सभी मत मतांतर के प्रवर्तक महापुरुष, वो ये है कि अहिंसा ही परम धर्म है और हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं। शास्त्रों में ये लिखा है, क्या सनातन धर्म के शास्त्रों में इसके अलावा बात लिखी है, कभी नहीं लिखी हो सकती। ऐसा ही भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा ही भगवान महावीर ने कहा, ऐसा ईसा मसीह ने कहा, यही संदेश मोहम्मद साहब ने, पैगंबर साहब ने दिया, और अनेक आचार्य हो गए, सब ने यही बात कही, लेकिन हमारे पर असर नहीं करती, क्योंकि शास्त्रों में लिखे हुए का नाम ज्ञान नहीं है। हम इस भ्रम में हैं, 10-20 जगह जाकर के सत्संग वार्ताएं सुन लेते हैं, किसी के शिविर अटेंड कर लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, उनका अनुवाद पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि हमें किसी सच्चे संत, सच्चे गुरुदेव की आवश्यकता नहीं है। ये अव्वल दर्जे की हमारी नादानी है, मूर्खता भी है। शास्त्रों से किसी को ज्ञान नहीं हुआ, हालांकि शास्त्र बनाए हुए उन्हीं दिव्य महापुरुषों के हैं, यह उनकी दिव्य वाणी है। इसका मर्म तब समझ में आएगा जब ऐसे ही दिव्य महापुरुष हमें उस वाणी को समझाने वाले जगत में मिलें, तब वो हमारे लिए उपकारी हो जाएंगे, शास्त्र और वचन। तो संत यही संदेश देने के लिए आए कि हे जगत के जीवों, हे अमृत पुत्रों, हम अमृत पुत्र हैं, हम क्यों मरें, लेकिन मर रहे हैं, रोज मरते हैं, रोज जन्मते हैं, मरना हमारा स्वभाव नहीं है, अविनाशी जीवन हमारी सहज स्वभाव, हमारी सहज जाति है, लेकिन ब्रह्मवश मर रहे हैं, ब्रह्मवश हमने सत्य का साथ छोड़ दिया है। तो संत कहते हैं जगत में आकर के, और ऐसा ही संदेश सभी संतों ने दिया, यही बाबजी साहब ने दिया, यही माताजी साहब ने दिया, यही इस वाणी में सदगुरु राधा स्वामी साहब फरमा रहे हैं, जागो रे मेरे प्यारे जागो। हम उनके प्यारे हैं, किस स्वार्थ से संत यहाँ आते हैं? हम अपने गुरुदेव के जीवन पर विचार करें तो उन्होंने हमसे क्या लिया, क्या मांगा? दुनिया में तो एक रीति है, शास्त्रों की परंपरा है, असल में ठीक मर्यादा भी है, होना भी चाहिए कि कुछ नहीं,
तो केवल यदि गुरु धारण किया हो तो गुरु दक्षिणा भी दी जाती है, उसके बगैर गुरु से लिया हुआ मंत्र की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी गई शास्त्रों में। लेकिन अपने तो गुरुदेव ऐसे ओगड़दानी थे कि केवल देना जानते थे, वापस लेना जानते ही नहीं थे। हालांकि उनको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन लेना उनके स्वभाव में नहीं था। तो जगत में आकर के उन्होंने हमसे क्या अपेक्षा की, क्या लिया, क्या सेवा करवाई, क्या हमने उनको दे दिया, क्या हम उनकी सेवा कर पाए? सेवा करना दूर, हम उनके एहसान उनके उपकारों को मानते तक नहीं हैं, हमें मानने का मादा यानी सच्ची समझ नहीं है। जितने अनंत उपकार उन्होंने हम पर किए, अभी जो गुरु महिमा की बाप जी माता जी साहब के बाप जी साहब की महिमा की चार कुंडलियाँ बोली गई, उनमें उनके उपकारों को कुछ याद करने की कोशिश की गई। कितने दिव्य उपकार हैं, यदि वे नहीं मिले होते तो क्या काल का कलेवा हम बनने से हमें कोई बचा सकता था? क्या दुनिया में कोई काल का भोजन बनने से बचा है? उन्होंने हमें आकर के 84 में जाने से बचा लिया, नरकों में जाकर के सताए जाने से बचा लिया, और काल का चबेना होने से बचा लिया। और भी अनंत उपकार हैं, हम तो उन्हें याद तक नहीं करते, याद भी माया को करते हैं। ऐसे काम करते हैं कि जिससे वापस काल का दाम लग सकता है। यदि हम उनके उपदेशों को न माने, यदि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की मात्र कोशिश करना है, चलना शायद हमारे बस में न हो, तो संत दयाल हैं, उसको क्षमा करेंगे, अवश्य करेंगे, करते आए हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हम तैनात तक नहीं होते। हमने जगत से सच्चे तौर पर उपरामता कब प्राप्त की? कब हमारे दिल में ये उपरामता जागृत हुई? कभी नहीं हुई, अब तक तो नहीं हुई। तो संत कहते हैं कि ऐसे गुरुदेव जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की अंश हैं। एक माँ अपने पुत्र से किसी बदले की भावना से, बदला यानी वापस बदले में कुछ, ये बेटा मेरी सेवा करेगा, ये बेटा मेरा बुढ़ापे में मेरी लकड़ी बनेगा, ऐसा एक छिपा हुआ धीमा विचार कभी कभी किसी माता के दिल में हो भी सकता है। लेकिन मातृत्व शक्ति की मूल अंतरधारा में, मातृत्व के स्वभाव में, पुत्र से या अपनी संतान से, पुत्र हो या पुत्री, अपनी संतान से सहज प्रेम उसका स्वभाव है, मातृत्व का लक्षण है। माँ बच्चे से किसी प्रतिदान की आशा नहीं रखती। तो हमारे गुरुदेव तो हमारी सच्ची माँ हैं, और जगत में जो प्रचलित परिपाटी है उसको भी उन्होंने पालन करना कतई आवश्यक नहीं समझा, गुरु दक्षिणा तक लेना जरूरी नहीं समझा। बल्कि जब से कोई उनकी शरण स्वीकार करता था कि मैं आज से आपका दास, मैं आज से आपकी शरण में हूँ, मैं आज से आपका पुत्र हूँ, आज से मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरुदेव हैं, तब से उस शिष्य की परलोक की चिंता तो गुरु को होती ही है, होनी चाहिए, सच्चे गुरुओं को होती है। जगत में तो बहुत सारे गुरु हैं जो सच्चे नहीं कहला सकते, लेकिन इस जगत में जो दुख हम पा रहे हैं, जो तंगी भुगत रहे हैं, जिन दुखों से हम ग्रसित हैं, उनसे वो द्रवित होकर के उनका सामना करने में भी हमारी मदद करते हैं। कितने आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों को आर्थिक मदद उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में से दी। नहीं तो गुरु तो कह देते हैं, जगत के होते हैं तो ऐसे कि ला भाई मैं तुझे क्या दूंगा, तू मुझे क्या भेंट करेगा, ये बता। हमारे गलतियों को उन्होंने हमेशा क्षमा किया, ये इस बात की पक्की निशानी है, और किसी आगे सबूत की जरूरत नहीं कि वे हमारे सच्चे हितैषी हैं। हम अपने गरेबान में झांक के देख लें, हमने कितने अपराध किए, कितनी गलतियां की, कितने गुनाह किए, और उनकी कैसी बेअदबी की, उनकी अवज्ञा का दोष क्या हमारे ऊपर नहीं लगा है? ये कालिक तो लगी है हमारे ऊपर। मैंने तो उनकी आज्ञा के पालन करने की कोशिश करते हुए भी अवज्ञा कर दी है, क्योंकि उनकी निर्मल आज्ञा का पालन करना मेरे बूते के बाहर था, आज भी है। तो मैं तो उनकी अवज्ञा करने का के अपराध का घोर अपराधी भी हूँ, फिर भी उन्होंने कभी मेरे
इन महान गलतियों को अपने चित्त में जगह नहीं दी। और जैसे माँ एक पुत्र को अपने गोद में उठाकर महफूज रखती है, सुरक्षित रखती है, खतरों से बचाती है, वैसा वो तब भी करते थे जब जगत में विराजते थे। और आज जब शरीर छोड़कर के अपने निज धाम में लीन हो गए हैं, तद्रूप हो गए हैं, तब भी करते हैं। तो आज इस बात का मौका है कि उनके उपकारों को याद करें और उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि उनकी सेवा न तो तब की जा सकती थी न अब हम कर सकेंगे। 84 का जीव नरक का कीड़ा के समान हमारा वजूद है और हम सर्वेश्वर प्रभु के सर्वगुण रूप सच्चे संतों की क्या सेवा कर पाएंगे। इस गफलत में न रहें कि हम सेवा कर सकते थे या कि हमने सेवा कर दी है या कि हम अब सेवा करेंगे, और न उनको सेवा की जरूरत है। वो सर्वसमर्थ प्रभु के साक्षात स्वरूप थे, सच्चे मालिक से अभेद थे, तो उनको किसी हमारे सारे की सेवा की मदद की कतई आवश्यकता भी नहीं थी न अब है। यदि उनके बताए हुए रास्ते पर चल सके तो ये उनकी सच्ची सेवा हो जाएगी, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके उपकारों का याद करना होगा, इसी में वे सच्चे तौर पर प्रसन्न होंगे। और किसी काम से उनको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हमारे खुद के भले का काम हम करें और गुरुदेव मुक्त में प्रसन्न होते हैं, ऐसे दयालु हैं गुरुदेव। इतनी ही उनकी दया की सीमा नहीं है, उनकी दया की सीमा या परिधि को समझने में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन ये उनको प्रसन्न करने का एक सरल और सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपकारी रास्ता जरूर है कि उनके बताए हुए उपदेशों पर चलें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तो हम भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। काल शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और हम सच्चे निर्भय पद को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए संतों ने फरमाया, काल शिकारी मग में ठाडा, भागो रे मेरे प्यारे भागो, कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इस जीवन यात्रा के बीच में कभी आकर के काल अचानक हम पर हमला करेगा, ऐसा काल सभी पर करता है। सभी को तो काल उठा के ले जाता है। ये जो मौत आती है ये क्या है? काल आया और अनेक यात्री एक रास्ते पर जा रहे थे, एक को उठा करके शेर दबोच करके ले गया, ये उसकी मौत हो गई। बाकी लोगों का भी नंबर आने ही वाला है और सबका आता है और किसी को वो छोड़ता नहीं, कोई उससे बचा नहीं। ऐसा प्रबल, ऐसा दुरंत काल हमारे रास्ते में, बड़ा खतरा उस काल का मौजूद है। हमारी यात्रा में इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। जीवन यात्रा का अंत काल के हमले से ही होता है। अपनी इच्छा से तो कोई जीवन का समापन करता नहीं, और जो कोई अकाल मौत मरते हैं या आत्महत्या भी कर लेते हैं, अपन सोचते हैं कि इन्होंने आत्महत्या की, इनका काल नहीं आया क्या? काल ही आया है। काल ने उनकी बुद्धि को इतना खोटा कर दिया, इतनी नादानी, इतनी मूर्खता, ऐसी जड़ता में उनकी बुद्धि को काल ले गया, उनका मन ले गया, कि वो अपना जीवन बाकी है तो भी पहले ही सरेंडर कर रहे हैं। तो ये भी तो काल का बड़ी घात है। है तो आया तो काल ही, तभी तो जीव गया। तो संत कहते हैं भाई, काल से बचना हो तो भगो, काल की दिशा से उल्टी दिशा पकड़ो, जिधर काल है उधर न जाए। ये किधर है? यही संदेश तो संतों ने दिया है, यही तो अपने गुरुदेव ने दिया है। क्या फरमाते हैं आगे? गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको रे मेरे प्यारे झांको। गुरुदेव साक्षात परमात्मा के सर्वगुण स्वरूप हैं, देहधारी परमात्मा है। सतगुरु संत गुरु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करने कर। गुरुदेव क्या है? रामचरितमानस में
गुरुदेव शुरू में जो वंदना के दोहे और श्लोक हैं उनमें गुरु वंदना का पहला दोहा है कि बंदम गुरुपद कंज बालकांड के शुरू में बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गोसाई तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गुरुदेव कैसे हैं? कृपा सिंधु, कृपा के सागर हैं। नर रूप हरी, नर के रूप में वो हरी ही हैं। और ये बात आम तौर पर हर एक के गले नहीं उतरती कि मेरे गुरुदेव परमात्मा ही हैं। दरअसल में तो गुरु तो परमात्मा ही है। ये तो बालकांड में फरमाया गोसाई जी ने, फिर उत्तरकांड में गरुड़ जी और कागभूषण जी के संवाद में जब गरुड़ जी कागभूषण जी से विदा लेने लगे तब गरुड़ जी ने कागभूषण जी की स्तुति की, क्योंकि उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने रास्ता दिखाया। कागभूषण जी ने गरुड़ जी का मोह दूर किया, अज्ञान दूर किया, भगवान के प्रेम का बीज उनके घट में रखा और प्रभु से प्रेम करना सिखाया, प्रभु की महिमा कहकर सुनाई, भगवान की अत्यंत ही परम पवित्र दिव्य पावन गरिमा में कथा सुनाई, भावसागर का मोह छुड़ाया। तो गरुड़ जी वंदना करते हुए विदा लेते हैं कि राम स्वरूप जान मोहि परे हो। गरुड़ जी कहते हैं कि हे कागभूषुंडी जी, मुझे तो अब पता चला है, शुरू में तो मैं आपकी महिमा सुनकर आया था लेकिन तब आपकी पूर्ण महिमा में नहीं समझ पाया, अब लगता है कि आप ही राम के स्वरूप हैं। और परमात्मा को मैं कहाँ ढूंढूंगा, और परमात्मा कहाँ मिलेंगे? सच्चा मालिक यदि कभी मिला है तो सच्चे भक्तों के, संतों के, गुरुदेव के हृदय में वो बसता है, वही मिला है, और कहाँ मिलेगा? तब गरुड़ जी को होश आया कि ये भगवान को ढूंढने के लिए परम धाम में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, परम धाम में मालिक है जरूर लेकिन उस मालिक को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उनका ध्यान नहीं कर पाएंगे, परमात्मा का साक्षात जो हमारे सामने विराजा हुआ रूप है इसको छोड़ करके और ढूंढने यदि तीर्थों में जाएं, चार धाम में जाएं, कैलाश पर्वत मानसरोवर जाएं, मक्का मदीने में जाएं, तब भी वह परमात्मा वहाँ शायद नहीं मिलेगा। हमारे अपने घट में गुरुदेव के रूप में वो परमात्मा विराजमान है, गुरुदेव का स्वरूप हमारे तीसरे तिल पर बसता है, आज्ञा चक्र पर गुरुदेव की चौकी, बैठक, दरबार या सिंहासन लगा हुआ है। अभी आरती में बाप्य साहब ने हमें इस तरह से समझाया कि आपके लिए मैं आसन कहाँ बिछाऊँ, सुन्न शिखर पर तख्त बिछारी, एक अटल तख्त जो कभी हिल नहीं सकता, सृष्टि रचना इधर से उधर होती रहती है, सच्चे गुरुदेव का अचल आसन सदा कायम है, भवसागर के पार सुन्न के शिखर पर, वहाँ आप सदा ही विराजमान हैं और मुझे वहाँ बुला रहे हैं। सतगुरु आए दिया जग जहला, वहाँ से जगत में आए और हमें समझाया, आज भी वहाँ से हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। तो उनके स्वरूप को घट में प्रकट करें, किस तरीके से? ध्यान के जरिए से। तो संतों ने कहा गुरु स्वरूप के रूप में परमात्मा तुम्हारे घर में विराजमान है, झांको रे मेरे प्यारे झांको, बाहर की तरफ थोड़ी तवज्जो कम करो, बाहर की दौड़ कम करो, बाहर की दुनिया को हम देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, इसी में उलझे हैं, बस यही काम तो कर रहे हैं, ये तो नश्वर है, ये तो दुखदायी है, ये तो दृश्य खोटा है, ये तो दृश्य देखने में ही भय प्रदायक है, अगली है, रौद्र रूप है दुनिया का, रोज मर रहे हैं, रोज जन्म रहे हैं, रोज काटे जा रहे हैं, कहीं दुनिया में सब जगह ऐसी शांति नहीं है जैसा हमारा ये मुल्क है, यहाँ पे भी बहुत दुख है, अनंत है, इससे भी ज़्यादा कई गुना दुखदाई इसी दुनिया के कुछ दूसरे हिस्से हैं, जैसे इस समय एक बगदादी जी हैं, पता नहीं कैसे काटते हैं, वीडियो बना बना करके पोस्ट करते हैं, जीवित आदमियों को एक ही तरह के चोगे पहना करके जैसे कोई बलि चढ़ाते हैं वैसे, और बिना उनको बेहोश किए धीरे धीरे चाकू से, कटारी से उनका गला रेता जाता है और दुनिया के सामने उसे दिखाया जाता है बाद में, इसी दुनिया के अंदर है, हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, मुर्गा बना करके सर में गोलियां ठोकी जाती है, और बिना अपराध, बस जो उनके कब्जे में आ गया मार दिया जाएगा,
भले कितनी माफी मांगो कोई माफी देने वाला नहीं है। ऐसे क्रूर शासक इतिहास की बात नहीं है, आज की बात भी है। इस दुनिया में सुख ढूंढने की कोशिश करना फिजूल है, मृग तृष्णा है। यहाँ सुख कभी किसी को नहीं मिला। संत कहते हैं इस दुख के देश को छोड़ो, अंदर का रास्ता पकड़ो। अंदर एक सुख का भंडार हमारे घट में मौजूद है। एक रास्ता दुख की तरफ जाता है, लेकिन एक सुख की तरफ जाने वाला रास्ता, परमात्मा के चरणों की तरफ जाने वाला रास्ता, परमात्मा की गोद में ले जाने वाला रास्ता हमारे घट में है। और उसके अंतर का रास्ता खोलने का, अंदर के बंद द्वार को खोलने का जरिया क्या है? संत मत में कहा गया, गुरुदेव का पावन स्वरूप, जिस रूप में दुनिया में आए थे उस स्वरूप का ध्यान करें, परिपूर्ण एकाग्रता और पूर्ण प्रेम के साथ और पवित्र अंतःकरणों के साथ जब उनका ध्यान करेंगे, तो करते करते जब ध्यान सफल होने लग जाएगा तो गुरुदेव का स्वरूप वहाँ प्रकट होगा, यानी गुरुदेव दर्शन देंगे। और वही अंदर में सुख के धाम की तरफ, अमृत सरोवर की तरफ, मान सरोवर की तरफ जाने का रास्ता जो घट में खुलेगा गुरुदेव की कृपा से। तो वहाँ क्यों नहीं हम कोशिश करते हैं? सुख को प्राप्त करने की जो दुनिया में कोशिश करते हैं वो नकली है, वो व्यर्थ है, कभी किसी की सफल नहीं हुई। दुनिया में आज तक किसी को पूर्ण सुख, मन वांछित सुख मिले ही नहीं। सिकंदर को नहीं मिला तो हम किस गलतफहमी में हैं? किसी को नहीं मिला। विश्व विजय करने के लिए निकले हुए सूरमाओं को नहीं मिला, जिन्होंने दुनिया के बड़े हिस्से को फतेह कर लिया था, ऐसे लोगों को नहीं मिला। क्योंकि सुख तब मिलेगा जब मन पर फतेह हासिल की जाएगी। यह संतों का उपदेश है। मन पर फतेह तो हासिल करते नहीं हैं, मन के कहे के अनुसार विद्या अर्जन करते हैं, ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा मान मर्यादा, इसको कमाने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा कोई कोशिश करता है तो ज़्यादा पुण्य कमाने की कोशिश करता है, यह भी सुख का स्वरूप नहीं है। तो ये संतों का उपदेश है, मान मनी तज गुरु चरणन में लागो रे मेरे प्यारे लागो। हे जगत के प्यारे जीवों, मान यानि अहंकार, इसको त्याग करके, मन की संकल्प विकल्प को त्याग करके, दो दांतों का त्याग करके, गुरुदेव के जो घट में चरण है, जिसका भेद गुरुदेव स्वयं आकर के हमें दे गए। बाहर गुरुदेव के चरण एक समय तो मौजूद थे, लेकिन आज तो वो चरण हमारे सामने भौतिक रूप पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन गुरुदेव के चरण तीसरे तिल पर सदाई मौजूद हैं, सदाई मौजूद थे, आगे भी सदा रहेंगे। वहाँ पे उन चरणों में लगे, यानी हम तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाएं, वहाँ गुरुदेव के स्वरूप का प्रेम से ध्यान करें और गुरुदेव के दिए हुए शब्द का अभ्यास करें, गुरुदेव के दिए हुए नाम का स्मरण करें। तीसरे तिल पर सूरत को अंतर्मुखी रखें, बाहर मुखी नहीं रहें। दो चार दिन पहले अपने सत्संग में विचार हुआ था कि सच्चे गुरुदेव ने बताया था कि कैसे हम दुनिया में लिप्त नहीं है। दुर्वासा जी की कथा का रूपक था कि दुर्वासा जी ने कहा कि मैं और मेरा प्रिय शिष्य कृष्ण कभी बाहर मुख हुए ही नहीं। हमने जब से शरीर धारण किया कितना समय बीत गया, तब से हमने एक सांस के लिए भी कभी दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं की। हम पूर्ण एकाग्र हैं, पूर्ण अंतर्मुखी हैं, हम अंदर में उस चैतन्य धार से जो रचना का आधार है उससे जुड़े हुए हैं। इस उन्हीं को, उस अंतर्मुख चैतन्य धार को ही गुरुचरण कहा गया, वही मालिक के असली चरण कमल हैं। तो वहाँ जुड़ें, उसमें लगें, उसके लिए थोड़ी दुनिया को पीठ देना पड़ेगा। दुनिया के सामान, दुनिया के भोग, दुनिया के सुख और दुनिया के लोभ, दुनिया के पदार्थ, दुनिया की मान बढ़ाई को दिल से निकालना पड़ेगा। और सच्चे मालिक और सच्चे गुरुदेव के चरणों का प्यार दिल में बसाकर, हमारे स्वभाव को निर्मल करके, दुनिया की तरफ पीठ देकर के, सच्चे तौर पर अंतर्मुख होकर के, एकाग्र होकर के उनके चरणों का, यानी उनके स्वरूप का ध्यान करें और उनके बताई हुई चैतन्य धार शब्द की धार में जुड़ें, उनके जीवे नाम का स्मरण करें, तो हम भी दुख से अवश्य अवश्य छूट जाएंगे। जीते जी करके देखने का रास्ता है। संतों ने कहा, बाप जी साहब ने अनेक बार फरमाया, बाप जी साहब के वचनों में ये बात रिकॉर्डेड है कि संत मत जीता जागता मत है। जो रास्ता हमारे गुरुदेव ने हमें बताया
वो जीता जागता रास्ता है, यानी कि खुद करके देख लेने का रास्ता है। उनकी बातों पर अंधविश्वास करने की हिदायत उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा जो हमने कहा उसको तुम स्वयं करके परीक्षा करके देख लो, जैसा हम बताते हैं वैसा दुनिया से थोड़ी उपरांता ला करके, घट में गुरुदेव के स्वरूप के प्रति प्रेम ला करके, और चित्त और मन बुद्धि चित्त और अहंकार को एकाग्र करके उनके स्वरूप का ध्यान करके, और इसके अंदर ध्यान में प्रवीणता प्राप्त करके अंदर में गुरुदेव के दर्शन कर लें, अंदर में अंधेरा आकाश जो दिखाई देता है उसकी जगह हम प्रकाश को प्रकट कर लें, दसवां द्वार खोल लें, तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिव्य चक्षु जो बंद पड़ा है उसे खोल लें गुरुदेव की कृपा से, और फिर अंतर जगत में प्रवेश कर जाए जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तो ये करके देखने के लिए उन्होंने हमें ऐसा कहा। उन्होंने कहा उस बात पर बिना परखे में विश्वास करने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। इसलिए बाप जी ने फरमाया कि हमारे यहाँ यानी संत मत में जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का विधान है, जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और जीते जी जो मुक्ति प्राप्त हो जाती है वही विश्वसनीय है, वही भरोसे के लायक है। मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, ये कबीर साहब ने फरमाया कि जो मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, भैया इस नाम का स्मरण करते रहना, इस तरह से माला पहनते रहना, और एक दिन तेरे को परमात्मा मुक्त कर देंगे, ऐसा जिन गुरुओं ने कहा, कान में कोई मंत्र दे दिया, गले में कंठी बांध दी, तिनका तोड़कर परवाना दे दिया, पान परवाना दक्षिणा ले ली और बोल दिया कि अब तुम मुक्त हो, ये हम तेरे को अनुज्ञा पत्र मालिक का दे रहे हैं। अब बेचारा मुक्त क्या हुआ, स्वभाव बदला नहीं, मन बदला नहीं, अंतःकरण बदले नहीं, बंधन तो इन्हीं चीज़ों का, मुक्त कहाँ से हो गया, मन उतना ही दूषित है, अंतःकरण उतने ही मेले हैं, जगत के प्रपंच में मेरा मन पहले से और ज़्यादा रमने लग गया है, अहंकार पहले से बढ़ गया है, तो मुक्त कहाँ हुआ, इन्हीं से तो मुक्त होना था। तो कहते तू मुक्त हो गया, तेरा तिनका मैंने तोड़ दिया, जा बेटे मजा कर, भरपूर दक्षिणा तो देते जाना, ये जरूर याद दिला देते। तो मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, कबीर साहब ने ऐसा फरमाया। बाद जी साहब ने इसकी व्याख्या में फरमाया कि मरने के बाद में जीव मुक्ति में जाता कि मुक्ति में भाई क्या भरोसा, इसलिए जीते जी मुक्ति हो जाए उसी का भरोसा करना, और संत मत ऐसा ही कहता है। बाद जी साहब ने ऐसा ही कहा, कबीर साहब ने ऐसा ही कहा, माता जी साहब ने हमें ऐसा ही समझाया। तो ये काम करने का है, इसी में वो खुश भी हैं। जगत भाव भोगन की आशा त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो, लेकिन ये सफलता तब मिलेगी उनके उपदेश पर चलने के, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में सक्षम कब होंगे, जब जगत के प्रति हमारा भाव यानी प्यार कम हो, जगत के भोगों की आशा दिल में से निकल जाए, और उसके एवज में कौन सी आशा बसानी है, मालिक के चरणों का प्यार, मालिक के नाम का अमृत का प्याला, वो हमें पीने को मिले, वो आशा यदि हमारे दिल में बस गई तो फिर हमारा जीव कहीं दुर्गति में कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि आशा तो वो लगी है, और मरते वक्त जहाँ हमारी आशा लगी रही वही हमारी आत्मा यानी सुरत जाएगी, जीव वही जाएगा जहाँ आखिरी में जिसकी आशा लेकर के गया। इसलिए संतों ने फरमाया, कबीर साहब ने फरमाया, आशा तो सतनाम की दूजी आस निरास, पानी माई घर करे तो भी मरे प्यास, आशा तो सतनाम की दूजी आस निरास, दूजी आशा मारसी जो चौपड़ की सा, चौपड़े ने शतरंज खेलते खेलते अचानक विरोधी का दाम लग जाता है और वहीं पे हमारी कोटी को खा जाता है। बस ऐसे हम जगत में खेल खेलने के लिए हमें भेजा गया, खुश होकर के खेल रहे हैं कि अभी तो हम खेल में कायम हैं, अभी तो हम भी जीत रहे हैं, और तभी ये विपरीत दाम लग गया यानी मौत आ गई, और उसका दाम लग गया और वो मौत हमें उठा के दे गई, खेल से बाहर कर दिए गए। दूसरे की आशा करेंगे तो अचानक यही होगा, दूसरे की आशा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। सदगुरु कबीर साहब ने दया करके फरमाया, पानी माई घर करे तो भी मरे प्यास, पानी के बीच में अपन निवास स्थान बना लें तब भी प्यास से मरेंगे, जान तकलीफ से निकलेगी।
क्योंकि दूसरी कोई आशा हमें सुखी कर नहीं सकती, एक सतनाम की आशा हमें सुखी करेगी। तो आशा भाषा सतनाम की बसाएं, आशा भाषा गुरुदेव के चरणों का प्यार मिले इसकी बसाएं, आशा भाषा इस बात की बसाएं कि ये झूठ का जगत, माया का जगत, नश्वर जगत, मौत का देश, मृत्यु लोक इसका नाम है, फिर यहाँ रहने की आशा बताते हैं। ये हम खुद कहते हैं ना कि ये मृत्यु लोक है, क्योंकि शास्त्रों ने हमें समझा दिया, हमने शास्त्र पढ़ करके इस अभिमान को भी पाल लिया कि मैं तो जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, बुद्धिमान हो गया हूँ, मैं तो बहुत कुछ समझता हूँ, मेरे अंदर विवेक जागृत हो गया है। जब विवेक जागृत हो गया, बहुत अच्छी बात है, विवेक जागृत हो गया तो शास्त्रों की कृपा से और पुराने महापुरुषों के आचार्यों की कृपा से किसी के दिल में विवेक जागृत हो गया तो बहुत धन्यवाद है। लेकिन भाई विवेक का नमूना क्या है? कहते हैं कि मृत्यु देश है और इसी के अंदर रहने के लिए हम आगे का प्लान बना रहे हैं, मकान को बड़ा बनाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है, नौकरी में यदि इससे बड़ी नौकरी मिल जाए या इसी में ऊँचा प्रमोशन हो जाए तो बहुत कोशिश सफल हो जाएगी, हम संतुष्ट होंगे, ऐसी हमने आशा पाल रखी है मरने के बाद लोग हमें याद रखें, ऐसे काम कर जाएं जिससे मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, यानी हमारे कुल के बड़ेरों को लोग याद रखें कि देखो ये उस खानदान का है, इसने जगत में नाम रोशन कर दिया। ये आशाएं तो पाल रहे हैं, कहते हैं विवेकवान हो गए, मृत्यु देश के सामान सुख और मृत्यु देश का मान बड़ा ही है कि कहीं का और का मैंने वर्णन किया, ये तो मृत्यु देश की घटनाएं या मृत्यु देश में मिलने वाले पदार्थ और यहाँ के मिलने वाले सुख का वर्णन किया मैंने। जब इसकी आशा पालते हैं, मुँह से कहते हैं कि मृत्यु देश में है, तो हमारा विवेक झूठा, हम खुद झूठे, जबान भी झूठी। अभी कहाँ विवेक जागृत हुआ, जिस दिन विवेक जागृत होगा तो दुनिया कुनेन से ज़्यादा कड़वी लगनी ही चाहिए। कई सत्संगी होते हैं तब ये प्रार्थना करते हैं सत्संग में तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहि अति अजान जान के मोह पे दया करो, जग जाल अति कराल साल में हो प्रभु। जगत का जाल विकराल है, कैसा विकराल, मगरमच्छ को देखे हैं अपन, देखे हैं ना चिड़ियाघरों में, तो मगरमच्छ का जबड़ा बहुत लंबा और बड़ा ताकतवर होता है, हाथी जैसे मजबूत प्राणी को पैर को पकड़ ले अपने जबड़े से तो हाथी की ताकत नहीं है कि छुड़ा ले, और क्योंकि वो खींच करके पानी में ले जाता अपने शिकार को, तो पानी स्थल के जो अपन जीव हैं, जैसे मेरा वजन यहाँ पे 60 किलो 55 किलो, तो मैं पानी में जाऊंगा तो पानी के आयतन के बराबर मेरा शरीर का वजन वहाँ कम हो जाएगा, मैं 20 किलो पर रह जाऊंगा तो ताकत भी नहीं लगती, मगरमच्छ को आसानी हो जाती है, वो तो पानी का है। तो उसके जबड़े में लंबा मुँह और ऐसे कैंची नुमा उसके दांत होते हैं, बड़े मजबूत जबड़ा, मजबूत दांत, वो अपने शिकार के पैर को या जहाँ से शिकार को पकड़ा है दांत ऐसे करा देता है। अब उस पंजे से छूटना किसी शिकार के बस का आमतौर पर नहीं होता। तो जो सच्चे परमार्थ के ग्राहक हैं वे इस बात को महसूस करते हैं कि मुझे इस जगत ने मगरमच्छ के विकराल जबड़े की तरह जकड़ा हुआ है, मैं क्या छूटूंगा, मैं तो मरने ही वाला हूँ, तब वो रो करके प्रार्थना करते हैं। कोई से सत्संगी होता है जब ये प्रार्थना करते हैं तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, उसे सच्चा दर्द है कि ये जगत मेरे को दुख दे रहा है, कब बाप जी दया करके मुझे छुड़ाएंगे, नहीं तो हम तो बाप जी से मांगते हैं बाप जी बच्चों की कुशल क्षेम बख्श देना, घर के सब लोग निरोग रहे ऐसी दया कर देना, थोड़ी रोजी रोजगार में बरकत बख्श देना, थोड़ी खेती में इस बार ज़्यादा उपज बख्श देना, हमारे घर में शादी ब्याह और कई काम आ पड़े हैं बाप जी दया करके थोड़ी सहूलियत बख्श देना। हमें कहाँ लगा कि ये जगत के ये काम हैं जो इन्होंने तो हमें जकड़ रखा है और हम कह रहे हैं कि बाप जी तो इनको थोड़ा ज़्यादा सफल कर देना। हमने जगत के पास को यानी जगत के बंधन को मगरमच्छ का जबड़ा मान लिया है क्या? नहीं माना, मान लिया होता तो हमारे इस दुख को याद करके आंखों में आंसू आ जाते। कोई से सत्संगी के आते हैं वही धन्यवाद कर रहा हूँ। संत कहते हैं छोड़ो दुख की दुनिया, यहाँ क्या सुख ढूंढ रहे भैया,
और हम इसको मृत्यु देश कहते हैं। अगर असल में कोई विवेकवान हो और उसे पता लगे कि मैं तो मृत्यु लोक में हूँ, शास्त्रों में इस पूरी रचना में केवल हमारे भूमंडल को मृत्यु लोक कहा गया, जहाँ क्षण क्षण में मौत है, जहाँ मंडल प्रलय और पिंड प्रलय दोनों प्रभावी है। इस मंडल का भी एक दिन नाश होगा, तब हम सब एक साथ मारे जाएंगे और हमारे अपने अपने पिंड का रोजाना प्रलय होती है, रोज मरते हैं, हम भी देखते हैं। तो मौत का जहाँ अखंड राज है ऐसी जगह पर रहते हैं, और शास्त्रों से हमने कहते हैं कि हमने समझ लिया कि ये मौत का देश है, फिर यहीं रहने का प्लान बनाते हैं, तब इसका मतलब है कि विवेक या समझदारी हमारी अभी बहुत अधूरी है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। नैन कमल गुरु डगर पिया की ताकोरे मेरे प्यारे ताको, गुरुदेव को प्राप्त करने का, या आज जगत में गुरुदेव तो रचना के कण कण में है, जगत में है, अपने निज धाम में भी है, और हमारे अपने दिल के अंदर भी, हमने बसाया होता तो दिल में भी है, रब भी बसा सकते हैं, हमारे अंदर भी है और हमारे घट में मौजूद है, तो उनकी तरफ जाने का रास्ता क्या। इशारे में संत मत का गूढ़ भेद संत फरमाते हैं कि नैन कमल गुरु डगर पिया की, गुरुदेव के प्रीतम की तरफ जाने का रास्ता आँखों में से होकर के जाता है, यानी आँखों में सूरत यानी जीवात्मा की बैठक है, मन की बैठक भी है, यहाँ से हम इस समय बाहर जा रहे हैं जगत की तरफ, नीचे की तरफ, माया की तरफ, दुख की तरफ, बाहर मुखी, और अंदर उलट जाए, घट में मालिक को ढूंढने लग जाए, घट में गुरुदेव के दर्शनों के लिए तीसरे तिल पर ध्यान करें और वहाँ गुरुदेव का स्वरूप दिखाई नहीं दे तो रोने लग जाए, हमारे को दुख हो, तड़प लगे, मेरे जिसका नाम है वो जागृत हो जाए, तो अंदर का रास्ता खुलेगा, गुरुदेव भी दर्शन देंगे। ऐसा ऐसा जिसके साथ हुआ है वो सभी मुक्त होकर के काल के जाल से छूट करके अपने प्रीतम के घर, अपने स्वामी के घर गए। आज हमें दुनिया इतनी प्यारी लगती है, गोपियाँ भी हमारी तरह इस दुनिया की प्राणी थी, हमारी तरह मनुष्य थी, छोटे से गांव में वो भी रहती थी, भगवान मथुरा पधार गए ब्रज छोड़ करके, तो गोपियाँ रोते रोते जीवन होम कर दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी, एक सांस भी तब आराम से नहीं लिया बाकी के जीवन में, और अपने कान्हा को अपने घर में ढूंढती रही, उनसे तो उनके स्वामी, उनके कान्हा, उनके प्रिय दूर नहीं थे, वो उनको प्राप्त भी हुई, वो वंदनीय हैं, हमारे लिए अनुकरणीय हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम भी अपने प्रीतम को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी तरफ जाने का रास्ता क्या है, संतों ने साधना के भेद को थोड़ा इशारे में यहाँ बोल दिया कि आँखों की तरफ से होकर के वो परमात्मा की तरफ जाने। इसी बात को सदगुरु तुलसी साहब आदर्शवाला ने फरमाया, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे नैनों के तिल में यही तो उसका रास्ता है। ये बहुत बारीक तीसरा तिल अदृश्य है, ये तो केवल पावर पॉइंट है, कुछ चिन्ह बना हुआ थोड़ी है अंदर, इसको एक्टिवेट करना है। तीसरे तिल पर चैतन्य धार आ रही है, जैसे कई बार आजकल के जो मैग्नो इलेक्ट्रिक मेमोरी वाले उपकरण बनते हैं उनमें कई बातें भरी हुई है, एक्टिवेट तो करना पड़ता है ना, तो इस तरह से तीसरे तिल को एक्टिवेट करने का तरीका क्या है। तीसरा तिल सबके है, अपना आंख बंद करते हैं वहां अंधेरा है, तीसरे तिल पर एक्टिवेट, तीसरे तिल को एक्टिवेट करना यानी तीसरा नेत्र खोलना, आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र के रास्ते को खोल करके, दसवें द्वार को खोल करके परमात्मा के धाम की तरफ के रास्ते पर आगे बढ़ना, या दिव्य चक्षु को खोल देना, या शिव जी ने जैसे जब तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जल करके भस्म हो गया, जगत की कामनाएं हमारी भी भस्म हो सकती है, कामदेव यानी जगत की कामनाएं, तो रामायण में गोसाई तुलसीदास जी फरमाते हैं, जब शिव तीसर नयन उघारा देखत काम भय उजरी छारा। इस बात को बाबजी साहब ने हमें ऐसे समझाया कि वो तीसरा तिल या शिव जी को वाला नेत्र, शिव नेत्र हमारे भी है, हमने खोलने की कोशिश नहीं की या हमारा भी खुला नहीं, जब हमारा अंदर का चक्षु खुल जाएगा, शिव नेत्र खुल जाएगा, तो हमारे भी जगत की कामनाएं क्षीण हो जाएगी, जल करके भस्म हो जाएगी। तो संतों ने कहा कि वही परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है,
ताको रे मेरे प्यारे ताको, उधर ताको तो सही, ताको यानी उधर हमारी एकाग्रता हम केंद्रित करें, जगत से जो हमारा ख्याल जगत में उलझा हुआ है इससे खींचें, जगत से इस ख्याल को तवज्जह को जगत से समेट करके गुरुदेव के स्वरूप पर तीसरे दिल पर एकाग्र करें, वहाँ पर लाएं, दृढ़ प्रतीत भरोस पिया का इतना करें। और साथ में विघ्न न आए उसके लिए जरूरी है कि जिस मत में हम आ गए हैं, जिन गुरुदेव की शरण ली है, जिनको गुरु धारण किया है, सच्चे संत सद्गुरु जगत के सच्चे उद्धारक परमात्मा के सच्चे भेद देने वाले सच्चे जगत के वही बादशाह हैं, इसलिए पंजाबी भाषा में तो सच्चे गुरुओं को सच्चे बादशाह कहा जाता था, वे ही हैं जगत के बादशाह, जो राजनीतिक तौर पर जो जगत का शासन करते हैं वो जगत के स्वामी थोड़ी हैं, वो तो खुद एक दिन काल का कलेवा बनेंगे और बनते आए हैं, उनको तो हम जी अजूरी में झूठी जी अजूरी करते हैं बड़े लोगों की, क्योंकि उनके पास दुनिया के संसाधन उनके हाथ में केंद्रित हो गए, सत्ता केंद्रित हो गई है, तो हम हमारे स्वार्थ की वजह से उनकी जी अजूरी करते हैं, उनको माई बाप कहते हैं, जैसे कोई गरजमंद होता है गधे को भी बाप बना लेता है, वैसे वो क्या सच्चे बादशाह होंगे। बादशाह तो वो होता है जिसके हाथ में सच्ची सत्ता हो, जब एक बीमारी लग जाए, आज जो शासक हैं उनको कल गंभीर बीमारी लग जाए तो क्या बस चलेगा उनका, हर परसों उनकी मौत आ जाएगी तो काल से मुकाबला, मौत से मुकाबला वो कर पाएंगे, आगे कोई कर पाया क्या, वो सच्चे बादशाह नहीं है। सच्चे बादशाह संत हैं जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, कबीर साहब ने कहा जिन्होंने मन मार लिया है वही संत सुखी हैं, क्योंकि मन ही दुख देने वाला है, दुख का मूल क्या है कि आत्मा सूरत जब नीचे उतरी अपने घर को भूल करके आई तो सबसे पहले माया के आवरण में आई, फिर दूसरा पड़ता इसके ऊपर मन का पड़ा, तो मन की कैद में है इसलिए दुखी है। संतों ने मन के आवरण को मन के बंधन को तोड़ दिया है, उनके उनके मन का बंधन नहीं है, मन का आवरण नहीं है, मन की कैद से वो मुक्त हैं, इसलिए वो सुखी हैं। तो अपने स्वामी का उनके दिए हुए भेद का गर्व होना चाहिए, पक्का भरोसा होना चाहिए, और एक भरोसा रखें तो सच्चे मालिक का जिनकी हम अंश हैं, ये नहीं सोचें कि इस मंत्र का जाप करेंगे तो मौत का संकट टल जाएगा, ऐसा बताया गया शास्त्रों में, पंडित लोग हमें बताते हैं माँ मृत्युंजय का जाप करेंगे तो मौत का भय नहीं रहता। माँ मृत्युंजय का जो मंत्र है वो आज तो बना नहीं है, युग बीत गए कल्प बीत गए तब का है, इस बात को तो सभी मानते हैं, तब से लोग इस बात को सुनते समझते हैं, इसकी कोशिश करते आए हैं, क्या एक लाख दो लाख पाँच दस बीस लाख की उम्र का कोई आदमी हमें दुनिया में मिल जाएगा क्या, इतने लोगों ने मंत्र जपा, दो चार तो मिलने चाहिए, कोई नहीं है भैया, कोई मंत्र नहीं होता, ये सब हौसला है, इन सबसे बाहर आ जाए। सच्चे स्वामी का भरोसा होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम होगा तो वह हमारा भरोसा कभी खाली नहीं जाएगा, फिर दूसरी बातों का उपाय न करें, संकट आए तो माँ मृत्युंजय का जाप न कराएं, शत्रु का संकट हो जाए उपस्थित तो दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों करवाएं, अपने प्रीतम का भरोसा नहीं है, जिसको इष्ट मान लिया भरोसा उसी का होना चाहिए। तो संत कहते हैं कि परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ते पर यदि सफलता प्राप्त करनी है, यदि गंतव्य को प्राप्त करना है, यदि मंजिल को प्राप्त करना है तो पक्का भरोसा लाएं, पक्का विश्वास लाएं और पक्के भरोसे के साथ एक कदम आगे बढ़ाएं। ए भरोसे के साथ ए विश्वास के साथ चला हुआ रास्ता कभी तय नहीं होता, वो कहीं नहीं जाता, गाड़ी के बैल की तरह वहीं रह जाएगा, इसलिए लक्ष्य तय कर लें, अपना इष्ट तय कर लें, इष्ट क्या है, सच्चे प्रीतम जीव के स्वामी सत्य देश के धनी सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल को प्राप्त करना, उनके दर्शन हासिल करना, उनके चरणों में पहुंचना, और इसको प्राप्त इस लक्ष्य को तय करने के बाद में फिर छोटी तरफ जो छोटे रास्ते जाते हैं उधर न भटके, उधर भटक जाएंगे छोटा मोटा विघ्न आ गया, कोई शत्रु प्रबल हो गया, उस शत्रु नाश के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लें, भूत प्रेत की बाधा हो तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़वा लें, ऐसा नहीं, एक जगत का नियंता जो सबका मालिक है जब उसकी शरण ले ली, बड़े का भरोसा, बड़े की ओट ले ली तो उसका भरोसा रखें,
फिर कोई विघ्न नहीं आता। और आए तो विघ्न से क्या डरना, ये तो विघ्न का देश है। जब मौत जैसा विघ्न सबको आया और सबको आएगा, जब मौत जैसा भारी संकट और भारी दुख सबको आया, कोई नहीं टाल सका, तो फिर छोटे दुख से क्या घबराना। फिर तो ये बड़ा दुख तो आने ही वाला है, छोटे दुख का उपाय होता तो उसका भी नहीं है, लेकिन हमें गलत फहमी है कि उपाय कर लेंगे तो मौत के महासंकट का उपाय तो नहीं कर पाएंगे, ये तो हम भी मानते हैं। फिर क्या डरना संकट से। ये जीवन जो थोड़ा बहुत मिला है, चाहे कैसे भी संकट हो, कैसा भी समय हो, इसी परिस्थितियों के अंदर इसको सफल करके जाना है, ये लक्ष्य तय करके इसी तरफ चलें। फिर आगे संत फरमाते हैं कि जो गुरुदेव का दिया हुआ नाम है, राधा नाम है सूरत का, स्वामी नाम इसके शब्द का, जो इसका स्वामी यानी मालिक है। सूरत का स्वामी कौन है? सूरत का स्वामी सत्य देश का सतगुरु शब्द या सतनाम है। तो संत कहते हैं राधा स्वामी छिन छिन ये से बाको रे मेरे प्यार। जब तक जीवन है, जब तक सांस की डोर चालू है, तब तक जो है ना उसी अपने इष्ट के नाम को हर सांस के साथ लेते रहें। दुनिया के तमाम काम करो, भले कोई बाधा हमें व्याप्त नहीं होगी, कोई कालिक हमें नहीं लगेगी, हर समय उस परमात्मा के नाम का मन ही मन सुमरण करते रहें, दुनिया के काम भी करते रहें फर्ज निभाने के तौर तरीके से, दुनिया में रहें नाटक के पात्र की तरह, और अपना असल ध्येय में लगे रहें गुरुदेव को अंतर में तीसरे तिल के रास्ते से उनके दर्शन प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहें। तो संतों का यह जगत में आना और उनका ये संदेश हमें देना सफल हो जाएगा, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। यही संदेश हमारे गुरुदेव ने हमें दिया। बहुत अरसा नहीं बीता है, पुराने आचार्यों में श्रद्धा जल्दी आ जाती है, वक्त के गुरुदेव में श्रद्धा नहीं आती। यह भी काल और मन का एक धोखा है, यहाँ की भूमिका का दोष है। जैसे मृत्यु का देश है तो वैसे ये भ्रम का देश भी है, अविश्वास का देश भी है, संशय का देश भी है, क्योंकि निसंशय निश्चय और विश्वास ये तो सत्य देश की गुण है। तो यहाँ तो संशय हमेशा रहेगा, इसलिए ऐसे संशय में न आए। जिन गुरुदेव ने सत्य देश के सत्य शब्द का भेद दिया, केवल यही पहचान होती है सच्चे गुरु की। ऐसा ही संत मत में संतों ने कहा है कि जिन्होंने सत्य देश के सत्य शब्द का भेद दिया वो पूरे गुरु हैं। शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा, ये वचन किसके हैं? सार वचन में राधा स्वामी साहब ने फरमाए हैं। तो जिन्होंने शब्द का भेद दिया उनको छोड़कर के पुराने संतों में जिनके हमने दर्शन नहीं किए, जिनसे शब्द का भेद तो उन्होंने भी दिया, अपने समय के जिज्ञासुओं को दिया, हमको जहाँ से मिला है उनमें श्रद्धा कम करें। पुराणों में श्रद्धा लाना सरल होता है, अपने सामने मौजूद होता उन पर विश्वास लाना कठिन होता है। इस तो ऐसा करके फिर इस मौके से चूक जाएंगे। यदि ऐसा अविश्वास ले आएंगे तो फिर आया वो मौका चला जाएगा। इसलिए संतों ने कहा संत मत में गुरु ही सर्वोच्च हैं, गुरु ही मालिक से बड़े हैं, गुरु ही मालिक के रूप हैं, वही कबीर वही सतनामा, उन संतन को वही पहचान, तेरा काज उन्हीं से होगा मत चूके तू तज अभिमान। ये भी राधा स्वामी साहब ने कहा भैया वक्त के गुरुदेव को ढूंढो, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पहचान, वही कबीर साहब हैं, वही सत्यपुरुष सतगुरु दयाल हैं। एक जगह इसी भजन की दूसरी कड़ी में कहा वही कबीर वही गुरु नानक, सब संतन को वही पहचान, सारे संत गुरुदेव के हृदय में हैं। ऐसा मान करके गुरुदेव की जब वंदना की तो नानक साहब जी की भी वंदना हो गई, राधा स्वामी साहब की वंदना हो गई, कबीर साहब की वंदना भी हो गई, बाप जी साहब की भी वंदना निश्चित तौर पर हो गई, सच्चे मालिक की वंदना भी हो गई। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा स्वयं संतों ने कहा, सब संतन को वही पहचान, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पहचान, तेरा काज उन्हीं से होगा मत भटके तू तज अभिमान। अभिमान त्याग दे, उनके सामने दीन होना मुश्किल है, दूसरों के सामने दीन हो जाएंगे। जो पुराने समय के हो गए 600 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल से पहले, नानक साहब हुए 530-532 साल पहले, उनमें श्रद्धा लाएंगे, वो तो आज मौजूद नहीं है। जो हमें जगत में देह रूप में मिले उनकी कदर नहीं करें और वाहेगुरु की महिमा करें, भविष्य ही करनी चाहिए। वो तो सच्चे मालिक ही थे और आज भी अपने धाम में उनकी वही जलवा, वही जौहर, वही महिमा है, वही गरिमा है।
लेकिन हमें वाहेगुरु के दर्शन होंगे तो अपने गुरुदेव माता जी साहब की कृपा से होंगे। आज किसी सत्संगी को कबीर साहब के घट पे दर्शन होते हैं तो वाहेगुरुदेव के दर्शन होते हैं, तो या बाप जी साहब के दर्शन भी होते हैं तो माता जी साहब की कृपा से होंगे। फिर इस एहसान को भूलने की गलती भी न करें। इसी बात के साथ विराम। श्रवण सो जैसे सुनिया प्रभु भंजन भव भीर त्राही त्राही आरथ हर शरण सुखद रघुबीर बलिहारी
कबीर साहेब की, बोलो परम संत सदगुरु स्वामी विश्वानंद जी साहेब की, बोलो परम संत सदगुरु दयालु माता जी साहेब की, बोलो संत समाज की, करवावा धाम की, बोलो सदगुरु दयाल की, सतगुरु